सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो गुड टू सी यू एंड कैसी हो आप पहले ये हाँ, बताओ। मैं कैसी हूँ? मैं बहुत अच्छी हूँ ये पंचायत का जो सीजन 3 है जी। इसकी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है लोगों में, आपको किस तरह के रिस्पॉन्सेस अभी मिले? एक्साइटमेंट जैसे आपने बोला कि बहुत बढ़ चुकी है, लोग सीज़न 2 से सीज़न 3 के बारे में बात कर रहे हैं कि कब सीज़न 3 आएगा, कब सीज़न 3 आएगा। एंड लोगों के बीच में एक्साइटमेंट ये है कि रिंकी और अभिषेक की स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी, क्या होएगा, उनकी शादी होएगी। सो दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट रिंकी एंड अभिषेक ऑल्सो। सो हम ये बात करते हैं कि आपको हम रिंकी करके बुलाएं कि आपके असली नाम से, क्योंकि आप रिंकी इतनी पसंद आने लगी लोगों हाँ को। हाँ सो आपको किस तरह का मतलब लोगों से सुनने को मिलता है कि रिंकी आपने असली नाम से? रिंकी बहुत ही फैमिली नेम बन गया है, तो लोग मुझे अपना दोस्त, अपने फैमिली टाइप का मानते हैं। तो अगर मैं कहीं आती जाती दिख जाती हूँ तो वो ऐसे चलाते, अरे रिंकी तो बहुत ही फैमिली दोस्त जैसा वो मानते हैं। तो रिंकी इज़ मोर पॉपुलर, लेकिन हाँ मेरा एक्चुअल नेम सानविका है, तो मैं उससे भी जानना चाहूँगी। बिल्कुल, जो पार्ट 2 तक का सफर था वो तो काफी ज्यादा पसंद आई है लोगों को। सो जी पर पार्ट 3 में क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिला? इंटरेस्टिंग, पूरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब जो नए नए कैरेक्टर्स हैं, जो उनके आर्क्स हैं, बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है आप लोग को। और उसके साथ साथ रिंकी की लव स्टोरी भी आगे बढ़ रही है। जो केमिस्ट्री है सचिव जी की और रिंकी की, वो धीरे 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 बढ़ती जा रही है, तो वो देखने को आपको मज़ा आएगा। ये जिस तरह का शो है काफी रिलेटेबल हो जाता है लोगों से, क्योंकि जो गांव का माहौल आप लोगों ने क्रिएट किया था, जिस तरह का स्क्रिप्ट था, तो काफी टच इस स्क्रिप्ट से हो गए लोग। तो आपने जब ये स्क्रिप्ट सुना था, ये तो रिलीज होने के बाद काफी ज्यादा फेमस हो गया, बट जब आपने ये पहली बार सुना था, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या? सीज़न 1 में तो हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली थी। सीज़न 2 के टाइम पे जब स्क्रिप्ट मिली थी, तो स्क्रिप्ट जब आप पढ़े थे तो वो पढ़ते वक्त ही बहुत फनी थी। तो आप वो रिलेटेबल कंटेंट, वो आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है, चाहे वो रिंकी की लाइफ में हो, चाहे मम्मी की लाइफ में हो, चाहे किसी और की लाइफ में हो, क्योंकि आपने आसपास की वो दुनिया देखी होती है। तो ऐसा लगता है कि हाँ कि ये हुआ है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में ये हुआ है। तो वो था, रिलेटेबल था उस वक्त भी, और वो फनी बहुत थी। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैं बहुत हंसी थी, बहुत ज़्यादा हंसी थी। स्पेशली वो जो चप्पल वाली, जो चप्पल चोरी हो जाती है, तो उस पर मुझे बहुत हंसी आई थी। और जब हम रीडिंग भी करने बैठे थे तो सारे एक्टर्स बैठ के मतलब अपनी लाइंस ले लेके वो हंसते रहते थे। सो इट वॉज़ वेरी फनी ऑन द स्क्रिप्ट लेवल। और जब वो बन के आया तो ऑफ कोर्स इट वॉज़ मोर फनी, इट वॉज़ आपने फनी, सॉरी। रियल लाइफ में कुछ फेस किया है जिस तरह से आपने किरदार निभाया, वैसे कुछ? रियल लाइफ में फेस किया है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया है, बट मैंने ऑब्जर्व किया है। मेरी सिस्टर है और ऐसे कैरेक्टर्स मैंने आजू बाजू देखे हुए हैं रिंकी जैसे, जो कि बहुत, क्योंकि लड़कियों को एक ब्रैकेट में रखा जाता है, और स्पेशली जब आप गांव वाँव में जाओ तो उनको उतना एक्सपोज़र नहीं मिलता है, वो लड़कों से ज़्यादा बात नहीं करती हैं। तो उनकी जो दुनिया रहती है वो बहुत लिमिटेड लोगों के बीच में रहती है, तो उनके जो बिहेवियर रहते हैं लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो वो कुछ कुछ चीज़ें मैंने अपनी सिस्टर से लेने की कोशिश की है कि हाउ शी रिएक्ट्स, या फिर कुछ कुछ जो मैंने आजू बाजू के लोगों को देखा है, तो सब चीज़ का मिश्रण बना के रिंगी को मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, लाइक विथ फुल ऑनेस्टी जितना मुझसे हो सका। सो किस तरह से ऑब्जर्व करती हो आप लोगों को, और क्या उसमें देखती हो? उनकी साइकोलॉजी कि वो किस तरीके में सोचते हैं, वो अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं तो क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, अगर उनका नेचर ऐसा है, कम बात कर रहे हैं या शर्मा रहे हैं, तो उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है कि वो ऐसे क्यों हैं। जब आप पसंद आने लगते हो लोगों को, आप काफी लोगों के इंस्पिरेशन भी बन जाते हो। सो जब आपको लोग देखना चाहते हैं, तो आप किस तरह से रिंकी का किरदार जो था आपका, आपने उस चीज को ऑब्जर्व किया था, तो लोग जाना, कोई किस्सा आप सुनाना चाहोगे उससे रिलेटेड? ऐसे किस्से नहीं है टू बी ऑनेस्ट।
बाकी सारी चीज़ें जो रहती है ना, आप एक कैरेक्टर के लिए नुआंसेस लेते हो छोटे छोटे यहाँ से वहाँ से, लेकिन बाकी जो चीज़ें होती है वो आपको स्क्रिप्ट लेवल पे सारी चीज़ें प्रोवाइडेड रहती है। तो जो हमारे राइटर हैं चंदन जी, उनने बहुत अच्छे से इस किरदार को लिखा हुआ है, तो ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई। और कुछ अगर आपको डिस्कस करना रहता है तो फिर आप राइटर डायरेक्टर दोनों के साथ बैठ के उस कैरेक्टर के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो कि यार ये ऐसा कर रही